भारतीय किसान संघ किसानों की मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम प्रदेशव्यापी ज्ञापन जिलाधीश शिवपुरी को सौंपा है। विदित हो कि भारतीय किसान संघ ने भोपाल में 22 नवंबर 2022 को आंदोलन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की बात कही थी, लेकिन उन मांगों पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है, जिसको लेकर सोमवार को प्रदेश भर में ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष ब्रजेश धाकड़ ने बताया कि उक्त ज्ञापन में भारतीय किसान संघ के भोपाल आंदोलन में सरकार द्वारा की गई 3 घोषणाएं थी, जिसमें पहली पूर्व सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी के झांसे में फंसकर कई किसान डिफॉल्टर हो गए, उनका ब्याज माफ करने की बात कही थी, लेकिन वह आज तक जमीन पर नहीं आई है। बैंक वसूली का दबाव बना रही है, जिससे किसान आक्रोशित है। साथ ही दूसरी मांग में छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उनका बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी, साथ ही मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप योजना शीघ्र प्रारंभ करेंगे। ऐसी 3 मांगों पर सरकार द्वारा आज तक अमल नहीं किया गया है, तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जो ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध दिया गया? 3 मांगों को लेके ज्ञापन दिया गया है भारतीय किसान संघ जिला शिवपुरी की ओर से। ये पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन ज्ञापन है, जिसमें 22/11 को एक बड़ा आंदोलन भोपाल के अंदर हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ मांगे हमने की थी, उनमें से पूर्ण नहीं हुई मांगे, इसलिए दोबारा ये उनके स्मरण के लिए ज्ञापन दिए गए हैं, जिनसे उनको याद आ जाए जो उन्होंने भूला है। इसमें कृषि पंप योजना है, जो स्थायी कृषि पंप योजना चल रही थी पहले, वो बंद हो गई, वो पुनः प्रारंभ हो जाए। जो डिफाल्टर किसान हैं, जिन जो डिफाल्टर हो गए हैं, कर्जा माफ़ी जिनकी नहीं हुई है, उसकी वजह से ये ज्ञापन दिया गया है कि उनकी कर्जा माफ़ी की जाए, उनका पैसा जो है सरकार भरे। और 5 एकड़ भूमि से कम भूमि जिन किसान की है, उनका बीमा राशि का जो लाभ मिल सके किसान को, उसके लिए ऐसे ही कुछ मांगों को लेकर हमने ज्ञापन